साथ किया जाए। दुर्गा एंड समीर ब्रदर्स गुलाबी में है। मंच के ठीक दाहिने छोर पर और खिलाड़ियों की जरा से चर्चा अगर करें तो अनिल ब्रदर्स बजरूड़ी आज विश्वनाथ मार्टी के कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि कैप्टनसी करते उस समय और वो गोलकीपिंग कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। बात किया जाए मानसिंह मुर्मू जर्सी नंबर 4, कृष्णा हेम्ब्रम जर्सी नंबर 3, रामचंद्र जर्सी नंबर 11, चैतन हंसदा जर्सी नंबर 8, कालीपद सिंह जर्सी नंबर 15, जर्मन जर्सी नंबर 10 एंड सुनील सोरेन जर्सी नंबर 7, दिनेश सराम जर्सी नंबर 13, प्रधान हंसदा जर्सी नंबर 2, कालू 6 और राहुल 9 पर। और चाहेंगे दुर्गा एंड समीर ब्रदर के लिए जो गुलाबी पोशाक में है उस टीम का खिलाड़ियों से रूबरू कराना चाहिए जी। आप हाँ इसके बाद आ रहा सुंदर यहाँ पर लंबी कट का इस्तेमाल जर्सी नंबर 4 वाले की, एक खिलाड़ी को हिट किए थे, दूसरे खिलाड़ी को हिट करने के क्रम में बॉल पोजीशन जमाए जरूर, लेकिन लंबी सेज खेला है लेकिन कमाल की गोलकीपिंग मिस्टर विश्वनाथ मार्टी द्वारा, क्योंकि कप्तान भी है और टीम के प्रमुख गोलकीपर के किरदार को भी अदा कर रहे हैं, जहां से वो खिलाते हैं टीम को। हेलो, पता सर वक्त लेते हैं गोलकीपर। हेलो, माइंड गेम खेलते हुए जर्सी नंबर 3 पे और बात करें कृष्णा हेम्ब्रम सीटीपी जोन से बिलोंग करते हैं, बढ़िया पास है आ रहा है फॉरवर्ड के क्षेत्र में और यहां से क्रॉस डिपेंड होता है। आज दूसरा मैच में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बड़ा मैचेस है अभी भी, अली बाबा जैसी टीम को आना बाकी है, सिंघुम शेर को आना बाकी है, तो इस लिहाज से कह सकते हैं आने वाले समय में भी आपको अच्छे अच्छे मैच है फिर से देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, और अच्छी कोशिश हो तो इस वक्त कर सकते हैं, अली का मुकाबला बड़ा है हमारी टीम के लिए। अश्लीमा मिथिला का एक रणनीति को सेट करना होगा टीमों को, बॉल खेलना सफल हुए हैं मिस्टर चैतन, जैसे मदद के लिए सुनो गेंद को निकाले मिस्टर चावान, धर्मा ने गेंद फेंका है सुनील सोरे के लिए, मौका बन सकता है, ये काफी उछाल दे बैठे हैं, सेकंड वार पे टारगेट जरूर आई है, बहुत सुंदर गेंद अथवा साहब ने स्किप की है जरूर, जो टैंकर लगा हुआ है जल का पानी का ओनली वो खिलाड़ियों के लिए है और होटल वाले वासी बेचने वाले माता बहने पानी की व्यवस्था आप लोग खुद कर लेंगे, नलकूप वगैरह से आप पानी लाएंगे, यहां से पानी नहीं ले जाएंगे। बढ़िया क्रॉस लेकिन खुद ब खुद बीट हो गए, संपर्क नहीं कर पाए फुटबॉल के साथ, वहां पर अच्छी क्रॉस थी, हल्की सी संपर्क भी आती तो शायद यहाँ पे पहला ब्रेक थ्रू मिल सकते थे अनिल ब्रदर दुर्गा एंड समीर को, आत्मविश्वास लौटा है कहीं ना कहीं जिस तरह से वो दिखाए हैं और खेल में जो रोचक वो रोमांच भीड़ जैसा देखने को नहीं मिल रहे हैं, डगआउट पूरा शांति सछाया हुआ इस समय,
एक आध गोल अगर आ जाती तो भी मन के मनसूबे पूरे हो जाते। चलिए यहाँ पर एक सर्विस का मौका बनेगा दुर्गा एंड समीर ब्रदर और इसके लिए कृष्णा हमरम संत खुदा। नीचे रखे जबकि इस प्रकार की शॉट अक्सर ऊपर खेले जाते हैं और बैक टू बैक चांसेस। इस बार हवाई हमला हुआ है लेकिन बार बार और कितनी बार लगातार जबरदस्त गोलकीपिंग विश्वनाथ महाडी द्वारा। हर बार ऊपर से ट्राई किए गए लेकिन हर बार असफल हुए हैं कि सफलता कब मिलेगी। देखो फिलहाल एक मौका प्राप्त रहा है जिसमें 15 के लिए कपिल देव सॉरी कालीपाल सिंह एक अच्छी गेंद को रिलीज किए थे जरूर बट कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और आखिर जैसा फोर विशाल राज गोल टेकर में साथी को मारने में सफल नहीं हो पाए। दुर्गा समीर बड़े के ओर से एक अच्छे रेटी को सेट किए हैं दोनों टीमों ने कोशिश बहुत इसमें रहा है। जिस सुबह किशोर जसविन मौका बन रहा है लेकिन शून्य मिस्टर मार्के द्वारा अच्छी बचाव चैतन बॉल जितने जल्दी सफल हुए थे रन आएगी सुंदर से जर्मन अच्छी गेंद के साथ साथ तक नहीं पहुंचा पाए और दोनों टीम ने कमाल का मैच भी जरूर खेले हैं। दूसरी प्रयास की कोशिश पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं और क्या यहां से कुछ रणनीति में बदलाव लाना होगा टीमों को। और फिर लोग कहा जाता है राजेंद्र जब खिलाड़ी मौजूद होते हैं आप वहां से प्रयास करते हैं तो आपको विफल ग्राउंड छोड़ने के बाद ही तालमेल होती है तो देखना ये गुफ्तगू होती है तो ये देखना ये है उससे गया है क्या इस बच्चे के समय में स्कोर आ पाएगी एक सवाल सा रहा है दोनों टीम के लिए दोनों टीम के लिए बेहतरीन तालमेल जो मुझे पेश किए हैं अब तक के परिणाम में बड़ी टीम को बांध के रखे हैं दोनों टीमों ने। और लेकिन यहां से एक कोशिश आई थी बहुत ही सुंदर यहां पर चौका ने विश्वनाथ माड़ी अक्सर प्रेम स्पोर्टिंग कांडा के लिए काफी मैचेस खेले हैं विश्वनाथ बिल्कुल मजे हुए गोलकीपर है विश्वनाथ और अभी तक अपनी छाप दिखा चुके हैं हर डिपार्टमेंट में अपनी गोलकीपिंग का प्रबल दावेदारी को पेश कर चुके हैं जिस तरह से अटैक हुई है और तमाम आक्रमणों में इन्होंने पानी फेरा है विपक्षी टीम के लिए और इसी वजह से यहां पर पहला भेदन भी करने में नाकाम हुए। फिलहाल दुर्गा एंड समीर ब्रदर हर बार आक्रमण किए हर बार विफल रहे और देखना होगा इस वक्त भद्रोड़ी बहुत ही सुंदर लेकिन यहाँ पे कंट्रोल से बाहर है बॉल और सुरक्षित गेंद को निकाल कर रन करते हुए फिलहाल समीर इतना पड़ेगा। पिछले मैचों के मुकाबले अगर इस मैच को आंका जाए देखा जाए निचोड़ा जाए तो कहीं ना कहीं वो अलग है। अब तक तो स्कोर आ गई थी जितनी मिनट की खेल खेली जा चुकी है इतने मिनटों में गेंदें अक्सर गोल जाल में समाते हुए हमने देखा छोटे पास के साथ यहां पर जैसे नंबर 7
बॉल पोजिशन को गवाए, फिर बॉल पोजिशन में फजरुली जिसने बताया 300 से पास जगह नहीं बना पा रहे हैं, इस वजह से बॉल बांटने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। सूर्य में देख रहे हैं फजरुली अच्छी गेंद के साथ तो जा रहे हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट फॉरवर्ड कहीं ना कहीं अपना जगह नहीं बना पा रहे हैं। बिल्कुल रोचक नीट डिजाइन से गेंद आ रही है, राइट फॉरवर्ड पे अस्तक पड़ रही है। बिल्कुल ये सेकेंड हाफ का मैच यहां से आरंभ हो और मैच नंबर 6 की बात करें जिसके बाद आएगी नेक्स्ट मैच के तौर पर, वे दोनों ही टीमों को मैं सूचना देना पसंद करूंगा। आप हैं एवेंजर बॉय और आपके मुकाबले जो टीम खेलेगी वो अंश ब्रदर। मैं चाहूंगा समय रहते आप दोनों अपने आप को लाइनअप कराएंगे टेक्निकल जोन में। और नहीं, बहुत बड़ा भाई मिस्टेक यहाँ डिफेंसिव हाफ में है, लेकिन यहाँ पर भी कहना होगा गोलकीपर ने अच्छा कारनामा कर दिया। अंश ब्रदर पूरी तैयारी आप कर लेंगे क्योंकि ये मैच हाफ टाइम के बाद इंटरवल के बाद ये शुरू हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं यहाँ से वक्त आपका ज्यादा देर नहीं है, इसलिए आप तैयारी होकर चले आएंगे धीरे धीरे। उसके बाद डीपी ब्रदर क्लब दमार डिहा वर्सेस अलीबाबा एफसी, उसके बाद है सिंगुन शेर बनाम फाइटर एफसी आनंदपुर। इस तरह से ग्रुप ए के 16 टीमें और कहीं ना कहीं जिस तरह से हम लोग विलंबता से चले हैं सेकेंड राउंड से हल्का सा समय में मेंशन किया जाना है, कोई मौका नहीं चौका आ जाएगा। गोलकीपर गिर पड़े और आखिरकार फजरुली एक गोल की बड़ा बनाते हुए, जैसे नंबर दिखा दीजिएगा भाई साहब 15 काल अनिल ब्रदर फजरुली। और यहां कड़ा और बड़ा चुनौती कहीं ना कहीं दुर्गा एंड समीर ब्रदर्स के लिए छेड़ते हुए हल्का सा फासला बना है 1-0 का। अगर इसे 1-1 की बराबरी पे लाके खड़ा करना है तो पिछली बार जिस तरह से आपने अट्रैक्शन दिखाया था वहां पर उस प्रकार की फिर से मोमेंटम की दरकार पड़ेगी, लेकिन यहां गलत पास के कारण फिर से स्कोर आ सकती थी। मौका बनेगा एक बार फिर है बदरूरी एक खिलाड़ी को टर्न करने की कोशिश लेकिन जीत नहीं कर पाए। फिर से एक बार बहुत ही सुंदर बाएं फ्लैग में उछाला गया है गेंद और जब तक वह क्रॉस करके तब तक डिफेंडर अपने जगह पर आ चुके थे। और लंबी क्लियरेंस कृष्णा कारेशिविक और यहाँ 50-50 बॉडी से लेना चाहते थे, इस वजह से प्ले ऑन का हिदायत मिला। फिर से एक बार समीर ब्रदर जिसने बच्चे 1-1 खेला गया है, बिल्कुल कह रहा होगा यहां पर जोन के आसपास लक्ष्य को अचीव करने की हर मुमकिन प्रयास कर रही है इस समय समीर ब्रदर की टीम, लेकिन अभी भी वंचित रहे हैं क्योंकि एक गोल का फासला बना हुआ है और अच्छी डिफेंसिव हाफ हो रही है इस समय। सुनील चितानो करे मोटो को खेलम लतर पर खेल में करो हम से क्या
देना पे बोल दिए जी साहब, बात के साथ लग रहा है कि मैच में साथ एक कमबैक हो सकती है, उम्मीद की किरण अभी भी कहते हैं उम्मीद की बादल अभी भी छाया हुआ है। इसीलिए कहा जाता है जो असली औहदा होता है समय से पहले अपने हथियार को नीचे नहीं गाते हैं, ये तो हर कोई को पता है। लेकिन एक मौका पनप रहा है टीम के लिए, क्या इस मौके का लाभ ले पाएंगे? कोशिश बहुत इसमें रहा है जसों बदस लाल बॉल जितने के क्रम में साथी को गौड़े बने में सफल और अच्छी तालमेल के साथ फिलहाल यहां से कोर्स आनी चाहिए। लेकिन अच्छी सुन है डिप्रेशन क्या आया है, जरूर देखिए मौका प्राप्त हुआ टीम के लिए मीच कहती छो में क्या इस मौके का लाभ उठा पाएंगे। सुनील सोरे बॉल जीतने के बाद साथी को बहुत ही संकेत का सरकार मौका बन सकता है इस बार हो जाएगी इसको, इसमें नो डाउट। जासिन अवध सिक्स एम शरद कालू गोल दाता बने हैं लगातार दूसरी गोल कालीपदा द्वारा, यानी कुल मिला के फिर सब कहेंगे विलिंग जेआर तो रिकॉर्ड को बराबरी करने के ठीक करीब है। ये दूसरे हैट्रिकर बन सकते हैं और देखना होगा राहुल का समागम अभी अभी जो सरायकेला जोन के एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर जाना जाता है राहुल हेमराम, जो 9 नंबर की जर्सी पर खेल रहे हैं भदोड़ी टीम के लिए और उनकी टीम कहीं ना कहीं दो गोल किए के फिर से गाली पौधा पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबाला भी यहां पर एक और गोल जी नहीं चांसेस बनेंगे बन जाएंगे और इसी के साथ गोल नंबर 3। इस गोल के साथ मुझे लग तो रहा है इस मैच को ब्लॉक करना और शिकंजे में कसना चाहेंगे कहीं ना कहीं भदोड़ी, बहुत बड़े अंतर बना लिए हैं मैच में और यहां से कमबैक करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए एवेंजर बॉय और अंश ब्रदर बिल्कुल तैयार होकर चले जाएंगे हमारे ठीक मेडिकल जोन के करीब, क्योंकि किसी भी क्षण इस मैच को ताला लॉक कर सकते हैं राफेल महोदय मिस्टर शंकर हंसदा जी, जिस समय 9-18 योद्धाओं के बीच एक वन मैन ब्रिगेडियर पावाली सेना की तरह खड़े हैं वो तो और नहीं शंकर हंसदा जिस समय राफेल के तौर पर 3-0 की क्लीन बात है। इस समय ऑरेंज कलर की जर्सी पर भद्रोड़ी, इसी टीम के बारे में बात कर रहे हैं और गुलाबी जो है 0-3 से पिछड़ते हैं। Thank you.
Thank you.